दोस्तों यूट्यूब में ये सर्च कीजिएगा नागालैंड जीनियस इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ठीक उसका बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जब भी मेरा वीडियो देखते स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा जिसे आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। वेलकम फ्रेंड, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज आपको हम पीसीबी रिपेयर बताएंगे जो कि एसी की है यानी कि एयर कंडीशनर की है। वो पीसीबी कैसे रिपेयर करेंगे इस बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे दोस्तों। तो दोस्तों मेरे चैनल पर नहीं आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक उसके बगल में नोटिफिकेशन का बेल है उसको क्लिक कर दीजिएगा क्योंकि मैं एक या दो वीडियो रोज़ अपलोड करता हूँ न्यूनतम टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आज का हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम फ्रेंड देख रहे हैं आप ये जो कि एसी की पीसीबी है। तो दोस्तों देख रहे हैं इसमें सप्लाई नहीं आ रही है यानी कि इसमें पावर सप्लाई वर्किंग नहीं कर रही है, तो इसके लिए हम लोग इसको पावर सप्लाई को टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो एसी इनपुट का जो कनेक्शन है उसको हम लोग सोल्डिंग करेंगे। दो तार जो देख रहे हैं आप इसमें एसी कोड का सोल्डिंग करने के बाद में सप्लाई दे देंगे। उसके बाद में मीटर को एसी रेंज पर इसको सिलेक्शन करके सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे कहाँ कहाँ पहुँच रही है, यानी कि देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे वोल्टेज सही आ रही है यानी कि दोनों एसी की जो सप्लाई आ रही है न्यूट्रल फेस आ रही है सही और ये फ्यूज के द्वारा भी निकल रही है। और थोड़ा आगे चलते हैं हम लोग। अब इसके बाद में यहाँ भिड़िया लगा वहाँ तक सप्लाई सही पहुँच रही है। उसके बाद में फिल्टर कोयल है वहाँ तक सही सप्लाई आ रही है और वहाँ से रेक्टिफायर जो बना हुआ है वहाँ पर देखिए बीच रेक्टिफायर का वहाँ वोल्टेज पास नहीं हो रही है यानी कि यहाँ पे एक रजिस्टर लगा हुआ है उसके द्वारा वोल्टेज पास नहीं हो रही है। तो रजिस्टर ख़राब है, इसको रजिस्टर में बदली करेंगे। लेकिन उससे पहले क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे जो भी डायोड लगे हुए हैं डायोड चेक करना पड़ेगा और कंडेंसर चेक करना पड़ेगा। ये रजिस्टर ख़राब है, रजिस्टर को बदली करना पड़ेगा और इसमें डायोड जो है वो सब चेक करेंगे, कंडेंसर चेक करेंगे, शॉर्ट तो नहीं इसकी वजह से वो रजिस्टर कटी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायोड और कंडेंसर चेक करेंगे। उसके बाद में सॉल्डरिंग दिखाएगा तो आईसी भी चेक कर सकते हैं हम लोग। तो उसको डायोड के रेंज पे रखेंगे और उसको डायोड चेक करेंगे हम लोग। देखिए ये डायोड सही है। उसके बाद फिर दूसरा डायोड भी सही है। जब डायोड ख़राब हो जाएगी तो बीप की आवाज़ देगी और इसमें जो रेजिस्टेंस है उसमें रेजिस्टेंस दिखाने लगेगा। देखिए ये भी सही है यानी कि यहाँ पे सब डायोड सही हैं। अब हम लोगों को क्या चेक करना होगा, इसके जो कैपेसिटर है कैपेसिटर चेक करने पड़ेंगे, कैपेसिटर भी शॉर्ट हो सकता है। तो कैपेसिटर को हम लोग चेक करते हैं। देखिए कैपेसिटर भी वहाँ पे डायोड दिखा रहा है यानी कि यहाँ भी सही है और आईसी भी सही हो सकता है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अब रजिस्टर बदली करेंगे, इसमें जो रजिस्टर लगा हुआ है उसको बदल लेंगे। बदलने के बाद में आगे वोल्टेज जा रही है कि नहीं जा रही है, फिर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हम लोग देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग रजिस्टर को ओपन करेंगे, रजिस्टर को वहाँ से निकाल के दूसरा रजिस्टर डालेंगे हम लोग। 1 ओम्स की रजिस्टर है यहाँ पे, तो रजिस्टर को हम लोग रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद हम नए रजिस्टर लगाते हैं। देखिए रजिस्टर नए लगा दिए हम लोग और लगाने के बाद में 1 ओम्स की रजिस्टर थी। अब हम लोग इसमें सप्लाई देके चेक करेंगे ये वर्किंग कर रही है कि नहीं कर रही है। दोस्तों हम लोग अब लाइट इसमें देते हैं, थोड़ा इसको साइडिंग कर लेंगे हम लोग क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो सकता है इसके लिए। अब हटा के हम लोग इसको करंट दे देंगे, करंट दे दिए हम लोग और देखिए इसमें सप्लाई आ गई यानी कि ये सर्किट वर्किंग करना चालू कर दिया है। और इसमें जो कि प्रॉब्लम था रजिस्टर ख़राब था, तो दोस्तों मैंने जिसे बताया आपको उसी तरह इसको चेक करना है। अगर मान लीजिए फ्यूज जाएगी तभी भी आपको वहाँ पे डायोड और कैपेसिटर चेक करना है। कैपेसिटर चेक करने के बाद में अगर फिर भी नहीं हो रहा तो आईसी चेक करें, पहले शॉर्टिंग के लिए चेक करें। शॉर्टिंग जो होगा तो फ्यूज भी जा सकता है, रजिस्टर भी जा सकता है। इसके लिए आप पहले डायोड कैपेसिटर चेक कर लें और उसके बाद आप हम लोग दोस्तों इसको कंप्रेसर ऑन हो रहा है कि ऑफ नहीं हो रहा है इसको हम लोग चेक करेंगे। इसमें
तो इसके लिए कम से 3 से 5 मिनट रोकना पड़ेगा हम लोगों को इसको। इसके लिए इसमें हम लोग एक बल्ब का कनेक्ट करेंगे, जहाँ पे इसके कंप्रेसर कनेक्शन होती है वहाँ पे हम लोग एक बल्ब को कनेक्शन कर देंगे, जिससे कि वो 3 मिनट बाद या फिर 5 मिनट बाद ये ऑन हो जाएगी। तो समझिए ये कंप्रेसर का काम कर रहा है ऑन होने के लिए, जो इसकी डिले होती है, ठीक है, ये काम करती है। इसके लिए हम लोग इसको यहाँ पर सोल्डिंग करेंगे, देख रहे हैं आप, यहाँ पर सोल्डिंग कर लेते हैं। तो हम लोग इसमें बल्ब का कनेक्शन कर लेते हैं, देख रहे हैं आप, इस तरह बल्ब कनेक्शन कर ले सीरीज में, और हम लोग इसमें सप्लाई देते हैं। उसके बाद में हम लोग को रुकना पड़ेगा 3 से 5 मिनट जो भी है, इसको रुकना पड़ेगा थोड़ा समय के लिए, क्योंकि इसकी कंप्रेसर थोड़ा देरी के बाद में ऑन होती है, इसके लिए हम लोग वेट करते हैं। तो दोस्तों मैंने इसका स्पीड बढ़ा दिया, इस वीडियो को मैंने स्पीड बढ़ा दी कि जल्दी आ जाएगा। तो दोस्तों ये स्पीड बढ़ी हुई है, देखिए अब कंप्रेसर ऑन होगा तो ये ऑन हो गया, ये यानी कि ये वर्किंग करना चालू हो गया, इसमें 100% अब वर्क कर रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।